नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा बिहार कोरोना सहायता ऐप से जुड़ी हर समस्या के समाधान के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल सके। चलिए मैं अपना आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग सही सही रजिस्ट्रेशन किए हैं और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आया है तो घबराने की कोई बात नहीं, आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर मैं लाइफ प्रूफ के साथ चेक करके बताऊंगा कि 2 अप्रैल को मैं रजिस्ट्रेशन किया था और 13 अप्रैल को मेरा 1000 रुपया मेरे खाते में आ गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले बता दूँ कि जो लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में OTP की समस्या आ रही है या आधार फोटो अपलोड करने की समस्या हो रही है या पंचायत को सेलेक्ट करने में समस्या हो रही है, जो भी समस्या हो रही है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से बिहार कोरोना सहायता ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है और फिर से नया वर्जन का जो बिहार कोरोना सहायता ऐप आई है उसको जो है सो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आप जो है सो हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बिहार कोरोना तत्काल सहायता ऐप मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। वहां से जा कर के आपको नया वर्जन का ऐप 1.80 रिलीज डेट है 13 अप्रैल 2020, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आप जो है सो OTP समस्या से और आधार कार्ड अपलोड की समस्या से निजात पा सकते हैं और फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है या सुधार करना है, आप जो भी करना है आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि मेरा पैसा आया है या नहीं। सबसे पहले गूगल को ओपन करें। गूगल को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में PFMS टाइप करें। PFMS टाइप करने के बाद सर्च करें। सर्च करने के बाद आपको पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर जो है सो नो योर पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नो योर पेमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पर अपना बैंक नाम डालें, जिस बैंक में भी आपका खाता है उसको यहाँ पर डाल दें। फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालें, फिर यहाँ से री अकाउंट नंबर डालें और यहाँ पर ये वाला कैप्चा डाल दें यहाँ पर, और यहाँ से सर्च करें। जैसे ही सर्च करेंगे सारे डिटेल्स आपके सामने होगी। तो चलिए मैं अपना डिटेल्स फिल करके फिर दिखाता हूँ कि आपको कि मेरा पैसा आया है या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपना सारा डिटेल्स फिल कर चुका हूँ और सर्च करके दिखाता हूँ। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको बैंक ऑफ इंडिया बैंक का नाम आ गया, यहाँ अकाउंट नंबर, यहाँ बेनिफिशियरी नेम, यहाँ पर जो है सो देखिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का पैसा जो है सो आया है उसका दिखा दिया है। यहाँ विशेष सहायता प्रपोज में एजेंसी का नाम मुख्यमंत्री विशेष सहायता बिहार, फिर यहाँ से UTR नंबर है, यहाँ पे जो है सो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 1000 रुपया है। फिर यहाँ पे देखिए 13/4/2020 को बैंक टैक्सन डेट 13/4/2020 को मेरा पैसा जो है सो मेरे खाते में 1000 रुपया आ गया है। ऐसे ही आप अपना भी पैसा चेक कर सकते हैं और घबराने की बात नहीं है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आया है, फिर भी आपको 1000 रुपया मिल जाएगा। इसमें 2-4-10 दिन समय लग सकता है कि बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन किया है, इसलिए सीरियल नंबर बाई सीरियल नंबर जो है सो सभी को उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।